नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से भारतीय वायुसेना की सुरक्षा के लिए एक ऐसा खतरनाक हथियार दे दिया गया है जिसकी वजह से दुश्मन देश चाहकर भी भारत के फाइटर जेटों को मारकर नहीं गिरा पाएंगे। दरअसल जब किसी भी देश की वायुसेना दुश्मन देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करने जाती है, तो यदि दुश्मन देश के पास खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि मान के चलो S-400 एडवांस सिस्टम है, या फिर दुश्मन देश के फाइटर जेट अपने देश के फाइटर जेट से ज्यादा दमदार हैं, तो फिर ऐसे में दुश्मन देश पर एयर स्ट्राइक करना अपने लिए भारी पड़ सकता है। और यदि दुश्मन देश के एडवांस सिस्टम के माध्यम से अपने फाइटर जेटों के ऊपर मिसाइल फायर कर दी जाती है, तो फिर इस मिसाइल से अपने फाइटर जेट की सुरक्षा करने के लिए फाइटर जेटों के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो फ्लेयर का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऐसे में मिसाइल इनकी हीट सेंसिंग को ट्रेस करके फ्लेयर से जाकर टकरा जाती है और फाइटर जेट सुरक्षित बच जाते हैं। परंतु वर्तमान समय में ऐसी कई सारी खतरनाक मिसाइलें आ चुकी हैं जो कि अपने रास्ते में फ्लेयर को अवॉइड करके डायरेक्ट फाइटर जेट को हिट करती हैं, जिससे कि फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने एक खतरनाक हथियार बनाया है जिसका नाम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है। इसे जमीन पर से कोई भी सैनिक भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी 3 से लेकर 4 की संख्या में मिसाइलें भारत देश के फाइटर जेट में भी लगाई जा सकेंगी, और यह संख्या में ज्यादा होंगी। इसके अलावा आकार में छोटी होंगी, साथ ही काफी हल्की भी होंगी, जिससे फाइटर जेट आसानी से इसे कैरी कर सकें और उनके पेलोड कैरी करने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। और यदि ऐसे में दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा या फिर दुश्मन देश के फाइटर जेट के द्वारा अपने देश के फाइटर जेट पर मिसाइल फायर की जाती है, तो फिर फाइटर जेट खुद की सुरक्षा के लिए एक डिफेंसिव मिसाइल को लॉन्च करेगा, जो कि दुश्मन देश के फाइटर जेट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाली मिसाइल को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगी, और इसके साथ ही फाइटर जेट सही सलामत बच जाएगा। और इस मिसाइल को टारगेट को ट्रैक करने के लिए कोऑर्डिनेट देने की भी आवश्यकता नहीं है, या सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम काम करती है, जिससे यह दुश्मन देश की मिसाइल को खुद ही ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। खैर, अब आप अपने भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किए गए इस वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।